आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर हैं धीरेन्द्र शास्त्री। पिछले दिनों बिहार में पहुंचे थे, 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान था, पहुंच गए थे 10 लाख से ज़्यादा लोग। लोगों की तबीयत खराब हो गई, वहां भी हिंदू राष्ट्र का राग अलापा था। उसके बाद पहुंच गए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पहुंचे, सागर में उनका कार्यक्रम हुआ। वहीं पर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया वाई श्रेणी की सुरक्षा इन्हें मिलनी चाहिए, मिल गई है सुरक्षा। और अभी गुजरात में है, सूरत में दिव्य दरबार आज लग रहा है और कह रहे हैं कि सनातन विरोधी जो भी लोग होंगे उनकी चटनी बना दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो बनकर रहेगा, वो कह रहे हैं कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कथा कहना सही बात है, कथावाचक के तौर पर जाने जाते हैं, आप कथा कहिए, आप धर्म से जुड़ी बातें लोगों के बीच बताइए। अगर आपको ज्ञान है धर्म का, शास्त्रों का, तो आप लोगों के बीच में उसका संचार कीजिए। लेकिन ये जो बार बार धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते की हुई बात करते हैं या फिर युवाओं को बहकाने बरगलाने की बात करते हैं, इसमें कई नतीजे ऐसे सामने आते हैं जो नहीं आने चाहिए। जहां पर युवा, चूंकि गर्म खून है, युवा भी हैं, उनका गुस्सा उबलता है और अलग अलग जगह धार्मिक नारे लगाकर उत्पात मचाते हैं, हिंसा करते हैं, हंगामा करते हैं। जब राजस्थान में इस तरह का बयान दिया था, वहाँ हरे झंडे हटाकर भगवा झंडे लगाने का काम कर रहे थे। आप भी जानते हैं हरा झंडा और भगवा झंडा किस धर्म का प्रतीक होता है। वहाँ पर युवा ऐसी हरकत करते हुए पाए गए, युवाओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। धीरेन्द्र शास्त्री तो पाक साफ होकर बच गए, केस में दर्ज हो गया, ऐसे तमाम केस उन पर दर्ज हैं, लेकिन युवाओं को भड़काने और बहकाने का काम किया। अब फिर से हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, हर धर्म और संस्कृति आपको यहाँ दिख जाएगा। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के लोग साथ में रहकर मिलते हैं और संविधान भी यही कहता है, इसी तरह से लोगों को यहाँ रहने का अधिकार है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र क्या वाकई हिंदुस्तान बन सकता है, भारत बन सकता है, ये भी बताइएगा। साथ ही साथ चूंकि हिंदू राष्ट्र की मांग बार बार हो रही है, इसको लेकर जो धर्म गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनकी भी अलग अलग टिप्पणी सामने आती है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं जो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें राम राज्य की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि जिसमें किसी खास धर्म को विशेष अधिकार नहीं, बल्कि सब धर्मों के लोगों का कल्याण हो, उनका विकास हो, हमें ऐसे राम राज्य की ज़रूरत है। हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदुओं की गोलबंदी हो जाएगी, जो कि देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की बात से मैं सहमत हूँ, सभी धर्मों को साथ मिलकर चलना चाहिए, सभी धर्मों का विकास होना चाहिए। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो फिर क्या आप बाकी सभी धर्मों को साइड कर देंगे क्या? क्या बाकी सभी धर्म के लोगों को यहाँ देश में रहने के या फिर देश से जुड़े हुए अधिकार नहीं होंगे क्या? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? इस बात से, इस सेंटेंस से आप लोग क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा। साथ ही अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है, ये पूरी बातचीत भी आप सुनिए। में है कि नहीं है, यही देखा जाता है कि ये व्यक्ति हमारे गोल में है कि नहीं है। हमारी गोल में है तो बिल्कुल अच्छा है, चाहे कैसा भी हो, और अगर हमारी गोल में नहीं है तो बहुत खराब है, चाहे कैसा भी। ये एक व्यवहार का तरीका हम लोगों ने बना रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश में गोलबंदी ही राजनीति के रूप में ख्यात हो गई हो, राजनीति शब्द जो है वो बहुत ऊंचा है, हमारे यहाँ नीति शब्द बहुत ऊंचा है, धर्म के समान है, और राजनीति माने राजा के द्वारा पालन की जाने वाली नीति। तो अगर जो राजनीति शब्द हमारा है, जो उसको महाभारत में प्रयोग किया गया है, जिसको रामायण में प्रयोग किया गया है, अगर वो राजनीति का शब्द हो तो अलग बात, आजकल तो वो राजनीति है नहीं, आज तो गोलबंदी है, ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं। तो ये जो गोलबंदी वाली राजनीति है, इसमें आप एक शब्द लेकर आते हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुओं की गोलबंदी। अब हिंदू हिंदू के नाम पे गोलबंदी होगी, और गोलबंदी होगी तो स्वाभाविक है कि जो हिंदू नहीं होगा उसके साथ परायेपन का व्यवहार हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम इस विचार को जब करते हैं तो हमको रोमांच हो जाता है, सिहर उठता है मन, क्योंकि हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं करते। हमारे यहाँ ये माना गया है कि राजा के लिए जितनी भी प्रजा है वो सब उसके औरस पुत्र जैसी होनी चाहिए, कि मेरे बच्चे हैं ये, और हमारे यहाँ के राजाओं ने इसी आदर्श का पालन किया है, सबको अपना बच्चा समझ करके सबके योगक्षेम का ख्याल किया है उन्होंने, सबका कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण हो, हम लोग अभी भी नारा लगा रहे हैं। हमारे आचार्यों ने, हमारे राजाओं ने इस आदर्श को स्थापित किया है, तो जब गोलबंदी होगी तो ये नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र से क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था और जिसकी हम सदा से कामना करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि गोलबंदी का जमाना है, हिंदू के नाम पे गोलबंदी हो जाएगी,
जो ये कह देगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ उसके साथ परायेपन का व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हम लोगों को एक अच्छा राज्य स्थापित करने की इच्छा जाग गई है, देखिए हिंदू राष्ट्र की बात क्यों आई है, इसका मतलब है कि जो अभी राज्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य, उससे लोगों का मोहभंग हो रहा है। एक बात ये भी समझिए कि ये हिंदू राष्ट्र की बात जो बार बार आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों का वर्तमान जो स्थापित व्यवस्था है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, इससे मोहभंग हो रहा है। और मोहभंग हो रहा है इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग कुछ लोग अगर लेके आ रहे हैं तो ज्यादा लोग उस पर माने आकर्षित हो जा रहे हैं। तो आकर्षित होने का मतलब उनके मन में धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रति वितृष्णा हो रही है, इसीलिए ये बात आगे बढ़ रही है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात को मान लें तो कल को फिर वही गोलबंदी शुरू होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। राम राज्य की विशेषता ये है कि वहाँ कोई अपना कोई पराया नहीं होता है, वहाँ पर सबके साथ न्याय होता है, न्याय का राज्य। वहाँ पर कुत्ते को भी न्याय मिल जाता है और जरूरत पड़ती है तो माता सीता को भी राम जी ऋषि के आश्रम में भेज देते हैं, लक्ष्मण को भी मृत्युदंड सुना देते हैं। तो वो जो राज्य था जिसमें भाई भतीजावाद नहीं था, जिसमें जातिवाद नहीं था, जिसमें वर्ग विद्वेष नहीं था, सबके लिए समान न्याय था और न्याय भी तत्काल मिल जाता था, तो ऐसे राज्य की हम कल्पना सदा से करते रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अव्यावहारिक है, यही तो देश है जिसमें राम राज्य थे,